चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट इन आयोनिक कंपाउंड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यार एक बात बताओ, आपके पास दो क्रिस्टल हैं, दोनों में से एक में आयोनिक बॉन्ड, दो क्रिस्टल बनाता हूँ, एक क्रिस्टल देखो ये रहा, एक क्रिस्टल ये रहा, इनमें सब में छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, दो क्रिस्टल हैं। इसमें मैंने बोला आयोनिक करेक्टर जो है वो 70% है, और इसमें मैंने बोला आयोनिक करेक्टर जो है वो 90% है। तो बोलो कौन सा था आयोनिक, बोलो ये वाला। अच्छा जो ज़्यादा आयोनिक उसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा। अच्छा जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा क्या वो आसानी से टूटेगा? नहीं। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा आसानी से नहीं टूटे तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं टूट रही, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलो इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जनरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन लैटिस एनर्जी। इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है। बोलो ये बात क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। बोलो क्लियर है ये बात? अरे बोलो भाई। लेकिन देखो सुनो, लैटिस एनर्जी तो आयोनिक करेक्टर के बारे में बता रही थी, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और थी जो आयोनिक करेक्टर के बारे में बता रही थी। कौन बता रही थी? पोलराइजेशन, फजान्स रूल भी तो बता रहा था कि आयोनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट करेक्टर जनरेट हो रहा है, याद आ रहा है? तो नॉर्मली हम मेल्टिंग पॉइंट को लैटिस एनर्जी से देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे देखो सुनो, सबसे पहला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, इफ कैटायन लाइक Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, कौन कौन से कैटायन हो गए? Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव और एक और ले लो रुबेडियम पॉजिटिव। अगर कैटायन जो होंगे वो Na पॉजिटिव होंगे, के पॉजिटिव होंगे, सीजियम पॉजिटिव हो या रुबेडियम पॉजिटिव हो, तो मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज चेक, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज चेक विद रिस्पेक्ट टू लैटिस एनर्जी। किसके रिस्पेक्ट में चेक करोगे? लैटिस एनर्जी। इसका मतलब अगर कभी भी कॉमन, देखो कैटायन लगेगा ना, कैटायन को हम लिखते हैं कॉमन कैटायन, है ना? क्या लिख रहे हैं? इफ कॉमन कैटायन इज इफ कॉमन कैटायन इज Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव और रुबेडियम पॉजिटिव, देन मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज चेक होगा किसके रिस्पेक्ट में? लैटिस एनर्जी। जरा बताओ, जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा। क्या आपको लैटिस एनर्जी चेक करना आता था? याद है तीन फैक्टर यूज़ किए थे लैटिस एनर्जी में? सबसे पहला चार्ज, जितना ज़्यादा एनायन कैटायन पे चार्ज उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। दूसरा साइज़ में बोलो क्या होता था? साइज जितना ज़्यादा उतनी कम लैटिस एनर्जी, ऐसे ही था? बोलो हाँ या ना। तो तीनों फैक्टर देखते हैं अभी, है ना, चिंता मत करो, तीनों फैक्टर देख रहे हैं, वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। देखो सेकंड पॉइंट, सिर्फ ये दो पॉइंट याद रखने, इफ कॉमन एनायन इज, कॉमन एनायन कौन हो? फोन, एफ नेगेटिव, ओ टू नेगेटिव, एन थ्री नेगेटिव, सी फोर नेगेटिव और एच नेगेटिव। अगर कॉमन एनायन, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे,
सर एस तो पॉजिटिव बनाता है, एस तो पॉजिटिव बनाता है, लेकिन जब एच मेटल की हाइड्राइड में होता है तो नेगेटिव हो जाता है। कैसे? मैंने बोला NaH तो सोडियम मेटल है और मेटल पे तो मुझे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पे कैसा आया? बोलो पता चला। तो अगर कॉमन एन आयन एफ नेगेटिव, ओ टू नेगेटिव, एन थ्री नेगेटिव, सी फोर नेगेटिव, ये ट्रिक्स है। अगर आप इतनी चीज़ याद रखोगे ना आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज चेक विथ रिस्पेक्ट टू अगेन लेटेस एनर्जी। तो फिर से मेल्टिंग पॉइंट आप किससे चेक करोगे? थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट फॉर अदर कंपाउंड्स मेल्टिंग पॉइंट इज चेक बाय पोलराइजेशन। किससे चेक करोगे? तो सिर्फ जब कॉमन कैटायन Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव होगा तो ये आप किसको यूज करोगे? लैटिस एनर्जी। या एनायन कौन सा हो, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, C4 नेगेटिव या H नेगेटिव, तो ये किसको यूज करोगे? लैटिस एनर्जी। अदर देन आप क्या यूज करोगे? और जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतना कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, यानी आयोनिक करेक्टर कम हो गया, और आयोनिक करेक्टर कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया। दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। बोलो समझ आ रहा है बेटे? मेल्टिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। चलो एक दो क्वेश्चन करें फटाफट, आप लोग देख देख के बताना, मैं हेल्प करूँगा आपकी। यहाँ पे करते हैं, इसको मिटा दें क्या ऊपर वाले को? हेडिंग तो अपने डाली दी होगी ना। चलो तो करते हैं, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। मैंने बोला NaF MgF2 AlF3, देखो तीनों आयनिक कंपाउंड है। जरा बताओ कॉमन आयन कौन है, Na या फ्लोरीन? कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि Na सोडियम तो एक में ही आ रहा है, लेकिन देखो फ्लोरीन तो किस में आ रहे हैं? तीनों में आ रहे हैं, तो तीनों में फ्लोरीन आ रहे हैं तो कॉमन आयन कौन हुआ? फ्लोरीन। अगर कॉमन आयन फ्लोरीन है तो मेल्टिंग पॉइंट किससे चेक करोगे? लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बताओ एफ पे तो सब में माइनस वन चार्ज है, लेकिन सोडियम पे है प्लस वन, मैग्नीशियम पे प्लस टू, एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री, ठीक रहे? बोलो जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो क्या आपका चार्ज बढ़ रहा है? बोलो हाँ यार। अगर चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, और अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बोलो बढ़ेगा। तो बोलो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? हाँ ALF3 देन MgF2 एंड देन Na। बोलो पता चल रहा है? पता चला? यहाँ से बहुत कॉमनली क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है? कोवलेंट वाला पार्ट तो केमिकल बॉन्डिंग में हर बच्चा कर लेता है, ठीक है? आयोनिक वाला पार्ट जो है ना वो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ने पढ़ा ही नहीं होता, पढ़ा होता है तो प्रैक्टिस नहीं की होती, उसको अप्लाई करना नहीं आता, या इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बच्चे खुद से उसको, वो होता ही नहीं है। तो आप बस ये पॉइंट याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन होंगे। चलो अगला क्वेश्चन करें। अरे बोलो। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, Na2O और मैंगो और Al2O3। आप बोलो कॉमन आयन कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या यहाँ पे है? है। इसका मतलब फिर से कैसे चेक करोगे? लैटिस एनर्जी। अब की बार देखो O पे O तो सब में कॉमन है, आप बोलो आप क्या चेक करोगे? Na पे प्लस वन चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे प्लस टू चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री चार्ज होता है। बोलो लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट गए तो चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज। और चार्ज इंक्रीज हुआ तो लैटिस एनर्जी भी, और लैटिस एनर्जी इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? Al2O3। ये चीज़ें कब आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटे ये चीज़ नहीं आएंगी। लो क्लियर है? कर पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो
एग्जाम्पल नंबर थर्ड ब्लैक से लिख देते हैं, मैंने बोला NAF, मैंगो और LN। अब बोलो कॉमन आयन कौन है? क्या कोई कॉमन आयन है? नहीं है। अब क्या लगाओगे? साइज लगाओगे? कॉमन आयन नहीं है तो क्या आप लैटिस एनर्जी लगाओगे? बोलो हाँ या ना। यार एक चीज देखो, कॉमन आयन नहीं तो लैटिस एनर्जी नहीं लगाओगे ना। क्या यहाँ पे फ्लोरीन है? क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? क्या यहाँ पे नाइट्रोजन है? तो कॉमन आयन तो है तो सही, एक ही आयन तीनों में नहीं है, एक ही आयन तीनों में नहीं है, लेकिन तीनों तो यहाँ पे आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ब्लैक कलर पेन के मार्कर से लिखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, कॉमन आयन तो है नहीं। अरे कॉमन वाले तो सारे हैं, और कॉमन वाले सारे हैं तो क्या लगेगा? लैटिस एनर्जी। यही दिमाग लगाना है, क्या लगेगा? लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी लगेगी तो मुझे बताओ इसके ऊपर प्लस वन माइनस वन, देखो प्लस वन और माइनस वन, प्लस टू और माइनस टू, प्लस थ्री और माइनस थ्री। बोलो लेफ्ट टू राइट जा रहे तो कौन बढ़ रहा है? चार्ज। और चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर लैटिस एनर्जी बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं? अरे बोलो, पता चला सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? LN, देन MgO, देन NaF। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देगा। उसको पता ही है तो तुम फिर भी बता दोगे, लेकिन ये कैसे बताओगे? चलो एक क्वेश्चन और करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। मैंने आपको बोला NaCl, MgCl2 और AlCl3। चलो बोलो फटाफट, बताओ मुझे क्या कोई कॉमन आयन है? नहीं है। कॉमन आयन नहीं तो कौन लगेगा? पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में चार्ज लगाओगे? पोलराइजेशन में भी क्या लगाते हैं? चार्ज तो लगाते हैं ना। पोलराइजेशन का ही पहला फैक्टर कौन है? चार्ज। तो देखो इस पे कितना चार्ज? प्लस वन, इस पे माइनस वन, इस पे प्लस टू और माइनस टू। दो क्लोरीन है तो आप तो किसको देखो जो डिफरेंट है? तो Na पे प्लस वन, मैग्नीशियम प्लस टू और एल्यूमिनियम प्लस थ्री। ज़रा मुझे बताओ, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है पोलराइजेशन भी बढ़ती है बेटे। चार्ज बढ़ने में पोलराइजेशन बढ़ रही थी, याद करो। इसीलिए पोलराइजेशन, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, जितनी बार ये तीनों टॉपिक हो सकता है ना पढ़ो। कौन कौन से? लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और पोलराइजेशन। कम से कम कुछ भी नहीं, आपको 10 से 12 बार पढ़ना है इसको, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो आप घूमते रह जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, ना सॉल्युबिलिटी कर पाओगे ना मेल्टिंग पॉइंट कर पाओगे। बोलो समझ रहे हो इस बात को? आप देखो पोलराइज चार्ज बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ा। ज़रा मुझे बताओ पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो बोलो सबसे ज़्यादा किसका? NaCl, देन MgCl2, देन AlCl3। बोलो क्लियर है? बोलो पोलराइजेशन बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट घट गया। बोलो है ऐसा? चलो एक बार नोट करो, फिर दो चार क्वेश्चन और करते हैं, है ना? नोट करो, आगे बढ़े। देखो आगे क्वेश्चन कराने से पहले एक बार मैं आपको लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन के फैक्टर बता दूं क्या? दोबारा से बता दूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। देखो लैटिस एनर्जी के लिए क्या लेते थे? अगर हम लोग लैटिस एनर्जी के बारे में बात करें तो लैटिस एनर्जी के लिए सबसे पहला फैक्टर लेते थे चार्ज। और जितना चार्ज बढ़ता था उतनी लैटिस एनर्जी क्या होती थी? बढ़ती थी। पोलराइजेशन के लिए भी हम लोग क्या ले रहे हैं? पोलराइजेशन के लिए भी पहला फैक्टर क्या ले रहे हैं? पहला फैक्टर ले रहे हैं चार्ज। और जितना चार्ज बढ़ता था पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता था, ये भी क्या हो गया? चार्ज। सेकंड फैक्टर लैटिस एनर्जी के लिए साइज। जितना साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी उतनी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। जितना साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी उतनी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। क्यों? एटम का साइज बढ़ा
तो एटम्स दूर 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 दूर, तो बीच का बॉन्ड कमजोर, आसानी से टूट गया। लेकिन जब बात करते हैं पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में क्या है, साइज फैक्टर। देखो साइज में देखो ध्यान से, जितना पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एनायन, वेरी गुड, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ कैटायन। यानी यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा एनायन या कैटायन, यहाँ तो कोई सा भी हो साइज बढ़ेगा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे दो ही फैक्टर देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, सूडो सूडो इनर्ट गैस, गैस कॉन्फिग्रेशन, जिसमें आपने क्या देखा था कि NH2 और NP6 जो है उससे ज़्यादा पोलराइजेशन किसकी होती थी, NH2 NP6 और ND10 की। तो ये क्या है उसकी पोलराइजेशन, क्या है ये पोलराइजेशन, NP6 ND10 ना, हाँ ये वाला NP6 और दूसरा ND10 NP6 ND10। तो यहाँ क्या हो रहा है पोलराइजेशन, ये किसका ऑर्डर है, पोलराइजेशन बढ़ रही है किसकी, NH2 NP6 ND10 यानी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन की पोलराइजेशन बढ़ रही है। बोलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करें पक्का, देखो आपको मैं दे रहा हूँ, यही दे दूँ, छोटा सा ही है ये, तो कर लोगे हम NaCl और CuCl, NaCl और CuCl, बोलो क्या इनमें कोई कॉमन आयन है। अब याद होना चाहिए कैटायन कॉमन कौन कौन है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, दिस इज द कॉमन कैटायन। एनायन कौन है, फोन FONCH। तो क्या कोई FON है इसमें, क्या CH है, नहीं, क्या Na पॉजिटिव है, इनके ये Na है, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है चारों में, नहीं, यानी लैटिस एनर्जी का फैक्टर नहीं लगेगा, कौन सा फैक्टर लगेगा, पोलराइजेशन। अब अगर पोलराइजेशन लगाऊंगा तो बताओ कॉपर के ऊपर +1 चार्ज, क्या इसकी सूडो इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ इसकी सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी पोलराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोलराइजेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। पोलराइजेशन बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, दैट मीन्स किसका ज़्यादा, NaCl का ज़्यादा। बोलो क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, एक और करोगे। अब यहाँ जो दूसरा बता रहा हूँ ना, अब यहाँ से एक देखो यार सुनो, आयनिक कंपाउंड जो है दोबारा से कह रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 बार आपको पढ़ना है, ये आपके कॉन्सेप्ट हिला देगा, कहीं से कोई भी कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे, देखो ये वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल तीन हो गए थे ना, वहाँ तीन हो गए थे, चार हो गए थे, चार इज द फिफ्थ एग्जाम्पल एंड दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 6। आप ये वाला मुझे बताओ, मैं दे रहा हूँ आपको AlF3 और AlCl3, बोलो कॉमन आयन है कोई सा, नहीं। अब बोलो पोलराइजेशन देखोगे, पोलराइजेशन में सूडो वाला पार्ट तो नहीं है, चार्ज एल्यूमिनियम पे दोनों पे कितने हैं, +3 और +3, दिख रहे हैं। अब साइज बोलो, एनायन कैटायन तो सेम है, एनायन कौन है, FOCl, तो FOCl कौन है, एनायन। बोलो किसका साइज बड़ा, Cl का, जिसका साइज बड़ा उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा, जिसकी पोलराइजेशन ज़्यादा दैट मीन पोलराइजेशन इसकी ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, AlF का, क्यों, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पोलराइजेशन बढ़ रही है, और पोलराइजेशन क्यों, पोलराइजेशन बढ़ रही थी क्योंकि साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा था, और अब पोलराइजेशन बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। एक कमाल की बात और, AlF3 आयोनिक कंपाउंड होता है लेकिन AlCl3 कोवलेंट होता है, याद है मैंने क्या बोला था, कौन कौन ऐसे मेटल हैं जो आयोनिक बनाते हैं, Li के साथ कौन कौन आ रहा था, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन। बिल्डिंग के साथ सिर्फ कौन आ रहा था? कार्बन, सिर्फ कार्बन। उसके बाद मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के साथ कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। याद है स्टार्टिंग के लेक्चर में ही पढ़ाया था आयनिक कंपाउंड में, है ना, अभी दो तीन लेक्चर पहले ही। तो ये पता होना चाहिए, अगर ये दिमाग में नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रिवाइज नहीं करोगे नहीं कर पाओगे, रिवाइज ज़रूर करो भाई, है ना। चलो अगला करोगे, चलो अगला करो, इसको मिटा दूँ ना, ये तो पता है आपको। अगला करो एग्जाम्पल नंबर 7, LiCl, BeCl2 और BCl3। बोलो क्या कोई कॉमन आयन है, क्या कोई कॉमन आयन है? कॉमन आयन कौन सा था? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैटायन। एन आयन कौन था? FONCH। क्या कोई है इनमें? नहीं है। दैट मीन्स किसके थ्रू जाओगे? पोलराइजेशन। अब Na के ऊपर प्लस, लिथियम के ऊपर प्लस 1, बेरिलियम प्लस 2, बोरोन। बोलो जितना चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन उतनी, और जितनी पोलराइजेशन बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट उतना। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो भैया चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन भी बढ़ रही है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो बोलो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? मैंने किसका बोल दिया? क्यों होगा? चला तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? देखो इसलिए ये फैक्टर दिमाग में होना चाहिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, एक और कर लो यार। चलो जब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो एक और करो। LiCl, NaCl, KCl, RBCl और सीजियम क्लोराइड। अब कॉमन आयन है क्या कोई? सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, लिथियम ही तो नहीं है। तो इन चारों को पहले अलग से सॉल्व कर लो। इन चारों में क्या लगाओ? लैटिस एनर्जी। अब बोलो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और लैटिस एनर्जी, अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी। देन सबसे ज़्यादा NaCl, देन KCl, देन RBCl। बोलो दिख रहा है? लेकिन अब LiCl तो छूट गया। अब एक बात सुनो, लिथियम का अभी अभी बताया है मैंने, अभी देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया ना लिथियम का, कि लिथियम के एफ LiF, LiC, LiO, LiN, LiH आयोनिक है, उनको छोड़ के बाकी सब क्या है? कोवलेंट। तो ये तो कैसा है? कोवलेंट है, जबकि बाकी सब क्या है? आयोनिक है। तो बोलो आयोनिक और कोवलेंट में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? आयोनिक का, कोवलेंट का कम। तो ऑर्डर क्या होगा? NaCl, KCl, RBCl, सीजियम क्लोराइड और सबसे कम LiCl। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम भैया यही गलती करो। एग्जामिनर को सब पता होता है कौन बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। एक और करोगे? चलो एक और कर लो, यही कर लो, यही कर लो। एग्जाम्पल नंबर 9, मैंने बोला BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। चलो बताओ क्या चेक करोगे सबसे पहले? कॉमन आयन। बोलो क्या कोई कॉमन आयन है? नहीं है कोई कॉमन आयन। देखो ध्यान से है क्या? देखो मनीष, देखो भाई, कॉमन आयन नहीं है। तो चलो अब किससे करोगे? पोलराइजेशन से। अब BeCl2 कैसा होता है फिर से? कोवेलेंट। कैसा होता है? कोवेलेंट। याद करो बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट है,
एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में, है ना? बोलो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, साइज बढ़ रहा है किसका? बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, साइज बढ़ रहा है किसका? बढ़ रहा है। 400 सब पे कितना है? प्लस टू और साइज किसका बढ़ रहा है? कैटायन। कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पोलराइजेशन क्या हो रही है? अगर पोलराइजेशन कम हो रही तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। दोबारा बोलूं? हाँ बोलो, कोई बात नहीं। ऊपर वाला बेटा, ऊपर लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम बोरोन, ये पीरियड में है, और ये वाला बेटा मांगे कार स्कूटर बाप इसमें ग्रुप में, समझ आया? तो ग्रुप में तो साइज बढ़ता है ना, यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बोरोन आता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। क्लियर है? यही था पक्का? पक्का क्लियर है? और बोलो, और कौन सा था? यही था। चलो देखो, पोलराइजेशन कम हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? यही होगा। अरे बोलो कुछ तो बोलो। बोलो Cl2 था, हाँ वेरी गुड। तो दिस द पोलराइजेशन ऑर्डर, और सबसे कम कौन होगा? BCl2 बोलो, होगा ठीक है? क्लियर है? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? आसान है। तो यही क्या है आपका? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सिर्फ दो फैक्टर देखने हैं, एक लैटिस एनर्जी और दूसरा पोलराइजेशन। जितना पढ़ोगे उतना कर पाओगे, नहीं तो बैठे रह जाओगे। तो चलो आज इतना ही करें, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी मेल्टिंग पॉइंट करेंगे, लेकिन अब वहाँ पे आयोनिक कंपाउंड का नहीं करेंगे, वहाँ अदर कंपाउंड्स का करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो चलो नोट कर लो।